सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा सारिआं दा अपने चैनल जी एस अपडेट्स ते बहुत बहुत स्वागत है। सो इस वेले दी विद्यार्थी नाल जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। सो स्कूलों लैके वड्डी अपडेट है कि करोना दी तीसरी लहर दे विच स्कूलों नूं खोलना सही है जां फिर नहीं, इस नूं लैके वड्डी अपडेट है तुहाडे सब दे लई। सो तुसीं इस वीडियो नूं अंत तक जरूर देखना, पूरी जानकारी तुहानूं इस वीडियो विच मिलेगी। तो नाल ही अपने दोस्तों मित्रों नाल जरूर शेयर कर देना तां जो होर विद्यार्थी नूं इस बारे जानकारी मिल सके। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो जरूर सबसक्राइब कर लवो। इस चैनल के उपर तुहानू एजुकेशन रिलेटेड वीडियोज़ के अपडेट्स समय समय से देखने को मिलते रहने हैं। तो जे तुहाडा कोई सवाल हो इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो, जी एस अपडेट्स नाम से इंस्टाग्राम की आई डी है। सो ज़्यादा समा वेस्ट ना करते हुए चलो आप अज की इस वीडियो शुरू करते हैं। करोना की तीजी लहर का खतरा, पंजाब के 42% बच्चों च नहीं मिली एंटीबॉडीज, सिरो सर्वेक्षण च खुलासा। पंजाब विच संभावनी करोना की तीजी लहर विच 42% बच्चे खतरे च हन। जुलाई विच किए गए सिरो सर्वेक्षण की मुढ़ली जांच च 58% बच्चों विच एंटीबॉडीज पाई गई हैं। तीजी लहर की तैयारी लई पंजाब सरकार ने 6 से 17 साल की उम्र के लोगों ते एक सिरो सर्वेक्षण किया सी। हालांकि सर्वेक्षण की अंतिम रिपोर्ट अजे तैयार की जानी बाकी है, छेती सेहत विभाग इसते नतीजा जनतक करेगा। करोना तीजी लहर विच कहा जाता है कि सिर्फ बच्चों ही खतरा है, अजिहियां संभावना के मद्देनज़र पंजाब च जुलाई विच 6 से 17 साल की उम्र के बच्चों का पहला सिरो सर्वेक्षण किया सी। हालांकि सिरो सर्वेक्षण का काम जुलाई के अंत तक पूरा होना सी, पर डॉक्टर की हड़ताल कारण सेहत विभाग को नमूने इकट्ठे करने विच मुश्किल आई। हुण तक विभाग ने कुछ जिलों वित्तों 1500 से वध बच्चों के सैंपल लए सन, जिन्हों विचों 58% सैंपलों में एंटीबॉडीज मिली हैं, जबकि 42% बच्चों में एंटीबॉडीज नहीं बना सके हैं। अजिही स्थिति सेहत माहर इन्हां बच्चों नूं करोना की संभावत तीजी लहर तो सब तो वध खतरा दस रहे हैं। सर्वेक्षण दौरान एकत्र किए गए ज़्यादातर नमूने शहरी खेत्रां तो एकत्र किए गए हैं। सेहत विभाग अनुसार बच्चों को खतरे तो बचाने लिए मापियां की जिम्मेवारी होर भी वध जाती है। सो बहुत ही वड्डी अपडेट है तुहाडे सब दे लई। सो पंजाब सरकार वल्लों 6 से लैके दोस्तों अनअकैडमी लेके आया है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज़ फॉर नीट यूजी 2021 एस्पिरेंट्स, जिसमें आपका 5 फुल सिलेबस टेस्ट होगा, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में, जो कि स्टार्ट हो रहा है 28 अगस्त 2021 से। 2 से 5 PM तक ये टेस्ट लिया जाएगा। इसमें आप फ्री में एनरोल कर सकते हैं अगर आप मेरा कोड जी एस अपडेट्स एन यूज़ करते हैं। सो जल्दी से एनरोल कर लीजिए और साथ में ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज़ फॉर नीट यू जी 2021 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में शुरू हो रहा है, जो कि नीट यू जी रैंक प्रिडिक्टर होने वाला है। वीडियो सोल्यूशन टू ईच क्वेश्चन होगा, डिटेल टेस्ट रिपोर्ट होगा, क्वेश्चन लेवल एनालिस्टिक्स का, मॉक टेस्ट क्रिएटेड इन लाइन विद द लेटेस्ट न्यूज TUG एग्ज़ाम पैटर्न। सो जल्दी से एनरोल कर लीजिए फ्री में मेरा कोड जी एस अपडेट्स एन यूज़ करके। एंड साथ में ये है मॉक टेस्ट का शेड्यूल, जिसे आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में लिया जाएगा। टोटल 5 मॉक टेस्ट होंगे जिसमें आप फ्री में एनरोल कर सकते हैं मेरा कोड जी एस अपडेट्स एन यूज़ करके। सो डेट एंड टाइम आप नोट कर सकते हैं, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट लिया जाएगा। और हर संडे को अनअकैडमी पे लिया जाता है इंडियाज लार्जेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी कॉम्बैट फॉर नीट UG एस्पिरेंट्स, जो कि हर संडे को 11 AM पे लिया जाएगा। और इसमें भी आप फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं मेरा कोड GS अपडेट्स एन यूज़ करके। और अनअकैडमी कॉम्बैट में अगर आपका अच्छा रैंक आता है तो आप अच्छी स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं, रैंक वाइज स्कॉलरशिप दिया जाएगा। सो जल्दी से एनरोल कर लीजिए, यूज़ कोड GS Updates 10, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। 17 साल तक के विद्यार्थियों के करोना टेस्ट किए गए सी, जिस विच उन्होंने पता लग सके कि एंटीबॉडीज़ विद्यार्थी बना रहे हैं या फिर नहीं। एंटीबॉडीज़ तुहाडे सबनूं पता होगा, एंटीबॉडीज़ वो होंदियां जो कि विद्यार्थियों नूं इनफेक्शन तो बैक्टीरिया तो बचाते हैं। सो जो टेस्ट किया गया उस दे विच पता चलिया कि 58% सैंपलों में ही एंटीबॉडीज़ मिली हैं, तो 42% एंटीबॉडीज़ बच्चे जो हैं नहीं बना रहे। सो करोना की तीसरी लहर में कहा जा रहा है कि बच्चों ही सब तो वध खतरा है, तो इस समय की स्कूलों को खोलना सही है, तो कमेंट करके जरूर दस्यो। सो की है तुहाडा विचार, स्कूलों को बंद करना चाहिए या फिर नहीं,
ਸੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹਜੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 42% ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਜੋ ਹਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ। ਜੋ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਆਵੇਗੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਤੱਕ ਲਈ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟਾਟਾ, ਧੰਨਵਾਦ।